ये क्या कर रहे हो आप ये स्लीपर्स के साथ? ये आप क्या कर रहे हो? स्लीपर्स कोई खाने की चीज है जो आप मेरे मुंह में लेके खा रहे हैं? जल्दी बताएं मुझे, मैं कुछ कह रही हूँ आपसे। एक स्लीपर से खेल रहे हैं? ये कोई स्लीपर से खेलने का टाइम है? स्लीपर से इस तरह से खेला जाता है और आप क्या कर रहे हैं? ये दूसरे, ये देखें, ये दुद्दू, ये इनकी फीडर का टाइम है। ये दोपहर में ये भी सोकर उठे हैं और इनकी ही। सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो भाई कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम दोपहर की नींद के बाद उठ चुके हैं और जो है भाई अब हम हाल में मतलब इसी तरह से, बस मैंने आपको आपसे ज़रूर शेयर किया था कि मैं लोग जो है सुबह में उठने के बाद ब्लॉग बनाते हैं और मैं बनाती हूँ दोपहर में उठने के बाद, क्योंकि सुबह भी उठने के बाद बंदा फ्रेश होता है और दोपहर की नींद तो बहुत ही फ्रेश होती है। लेकिन जिसमें कि मैं नहीं सोती, मैं अपने बच्चों को सुलाती हूँ और मैं बस थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि बंदा एक बार सोकर उठ जाए तो दोपहर में बहुत कम ही नींद आती है। बस ये होता है कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है तो इंसान उसमें भी फ्रेश हो जाता है। और आप लोग बच्चे तो बस बच्चे को, एक माँ जो होती है ना वो बस अपने बच्चों को ही सुलाते हैं, बस उसके लिए वही आराम है। क्यों माशाल्लाह आजकल के बच्चे तो ना बहुत ज़्यादा ही शरारती आते हैं। सिर्फ मेरे ही नहीं, जितने भी सबके बच्चे होते हैं वो शरारती हों, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, हर कोई आजकल एक से बढ़कर एक है। जिसके घर की कहानी सुनो उसके घर की कहानी एक से बढ़कर एक है। और मैं आपको कुछ बताते चलूँ अपने सुबह के बारे में। वैसे तो सुबह भी बंदा वीडियोस बना सकता है, लेकिन पता है क्या होता है कि मेरी सुबह की रूटीन इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है कि बस सुबह उठना है और बस मेरे हस्बैंड को होता है कि बस मुझे जल्दी से जाना है, मुझे जल्दी जाना है, मुझे जल्दी जाना है। बस वो उठते भी थोड़ी सी लेट है पर जाना उनको जल्दी होता है। तो जब वो जल्दी जाने होता है तो उसमें सुबह में बस जल्दी जल्दी नाश्ता, फिर घर की काम काज, सफाइयाँ, बच्चों को रेडी करना, और बस इनमें ही क्या होता है कि टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, बहुत ही मुश्किल होता है। पर मैं ट्राई करूँगी कि अपने आप को मैं मॉर्निंग से लेकर आऊँ। सो भाई, और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप लोग भाई मुझे कमेंट में करके ज़रूर बता दिया करें। कभी तो कोई मेरी वीडियो फुल देखें तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप अपने बच्चों को किस चीज़ से डराते हैं। हर इंसान क्या होता है, जिनके घर में भी बच्चे हैं वो उन्हें डराते लाजमी होंगे, और मैं अपने बच्चों को डराती हूँ ये कॉकरोच से। ये मेरा बड़ा बेटा है ना, वो किसी चीज़ से बाज नहीं आता, कोई चीज़ उसको क्या कहते हैं नहीं डराती, सिवाय जो कॉकरोचेज होते हैं ना, ये इनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और मैंने मोहल्ले से पकड़वा कर जो है ना, मतलब अपने पास कॉकरोच रखे हुए, ताकि जब मैं ये कुछ भी शरारतें करें, वैसे तो जब ज़्यादा जो बड़ी शरारतें होती हैं उनके लिए क्या होता है कि मैं जो है ना वो बड़ी शरारतों के लिए इनको डराती हूँ मैं अपने कॉकरोच से, ताकि जो है ये कॉकरोच, ये देखिए कॉकरोच से डरते हो ना आप, है डरते हो आप कॉकरोच से? बताओ कॉकरोच से डरते हो? यस, ये डरते हैं कॉकरोच से और ये वाकई डर भी जाते हैं। बस फिर क्या होता है कि मैं इनके लिए कॉकरोच रखती हूँ, इनको डराती हूँ कभी कभार, लेकिन ये अभी दो चार दिन की बात है, फिर क्या होगा इनका इससे भी डर ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई नई चीज़, फिर कोई नई चीज़। अच्छा खैर, सो भाई ये है हमारा आज की मेरी दोपहर की रूटीन। सो भाई अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो है मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊँ। मैं अभी YouTube पे नहीं हूँ, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।